तो फ्रेंड्स, आप सब लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे राइस वाटर को ले लिया है। मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही छोटा वाला एक बोल के करीब मैंने पानी लिया है। तो आप अपने बालों के हिसाब से इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। आपको सिर्फ रात को राइस को भिगोना है और फिर सुबह इसको यूज़ करना है। अगर आप चाहो रात को यूज़ करना, तो फिर आप सुबह उठ के भिगो दो राइस को, फिर पूरा दिन उसको भिगोने के बाद आप फिर उस के पानी को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ ग्लिसरीन। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा वाला जो चम्मच होता है 1 टीस्पून के करीब मिलाया है। तो अब देख सकते हो, अभी हमको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो हमारा जो राइस वाटर है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हमको इसको फिर देखा आप सपने की कैसे मैंने आज आप सबको सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाला हेयर का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताया है। आप इस चीज़ को यूज़ ज़रूर कीजिए। हफ्ते में 4 बार यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो रोज़ यूज़ कर सकते हो। राइस वाटर हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर राइस पे ब्रिकेज की कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी ठीक करेगा। और अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हेयर फॉल को रोकता है राइस वाटर। और फिर अगर हमारे बालों में डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राइस वाटर हमारे डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो ये क्लाउडी सा हो चुका है। आपको सिर्फ रात को इसको भिगो के रखना है और फिर सुबह उठ के आप इसको यूज़ कीजिए। आप अगर रात को यूज़ करना चाहते हो तो फिर सुबह उठ के राइस को भिगो दीजिए। 1 कप राइस को अच्छी तरीके से धो के फिर इसको 1 ग्लास वाटर में आप इसको भिगो के छोड़ दीजिए। पूरा दिन भिगो के फिर रात को सोने से पहले आप इसको यूज़ कीजिए। यूज़ करके आप पूरी रात उसको रहने दें। एयर ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ड्रायर मत यूज़ कीजिए। आप नेचुरली बालों को सुखा लीजिए। आप जड़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे जड़ें समर सीज़न है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये हमारे बालों के जो वीकनेस है उसको ठीक करेगा, हमारे बालों को स्ट्रांग बनाएगा और हेल्दी भी करेगा। आप देख सकते हो मैंने अपने बालों पे कल ही यूज़ किया है और मेरे ग्लिसरीन को मिलाया है। ग्लिसरीन से हमारे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। आपको 2 या फिर 3 ही यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि ग्लिसरीन किस तरीके से हमारे डैमेज हो चुके बालों को भी ठीक कर सकता है। बहुत ही जल्दी रिपेयर करता है डैमेज बालों को। तो आप इसमें ग्लिसरीन को यूज़ ज़रूर कीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो चुके हैं। राइस वाटर हमारे नए बाल को उगने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। राइस वाटर के बहुत सारे गुण हैं। आप इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आप पूरा हफ्ता यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहाने के बाद भी सिर्फ अगर राइस वाटर को अपने हेयर पे इस्तेमाल करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका हेयर बहुत जल्दी ग्रो करेगा और भी लंबे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद इसको अप्लाई किया है, 3 महीनों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। पहले मेरे बाल इतना शोल्डर तक था, अभी बहुत ज़्यादा लेंथ हो चुका है। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। कि बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और फिर आप अगर मेरी रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर भी मुझे बताइए कि आप सबको कैसे लगते हैं मेरे रेमेडीज़। अगर आप सबको कोई वीडियो देखना है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आप इसको सिर्फ राइस वाटर को ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हो। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका है या फिर ऑयली है पहले से ही, तो आप ग्लिसरीन को स्किप कीजिए। आप इसकी जगह लेमन जूस को ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, एंटी डैंड्रफ का भी काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेमन जूस। तो आप इस चीज़ को यूज़ ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो सब लोग भी मेरे वीडियोज़ को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।